नमस्कार, विराट की बघेली बुलेटिन में स्वागत है अपना पंजन के प्रियंका के साथ। बरगवा के नियरे ओबरी गांव में एक ठे भालू भोजन खोजत गांव के एक ठे 35 फीट गहरे पानी वाली कुआं में गिर गया। सवेरे जब गांव वालों का पता चला था, फॉरेस्ट विभाग की टीम के साथ आए और 2 घंटा रेस्क्यू कई के भालू का बचावे की कोशिश करें, लेकिन भालू पानी में दम तोड़ दिए। नियम के अनुसार भालू के बॉडी का PM कराए के फॉरेस्ट टीम ओकर अंतिम संस्कार करिस। अपना को बताई कि यह आए दिन कोनो न कोनो कारण से भलुअन के जान जाते रहा थी। बुलेटिन के दूसरे खबर के बात करी, जहां पुलिस और खनिज विभाग के संयुक्त कार्यवाही में अवैध रेत खनन करे वाले में हड़कंप मच गया। आए दिन खबर मिलत रहा थी कि अवैध उत्खनन चलत लाग है। पुलिस प्रशासन कई एक बेर छापा मार कार्यवाही करिस, रेत माफिया अपने आतंक से बाज नहीं आवता ही। रविवार का रात के SDOP समरजीत सिंह के संयुक्त टीम जब छापामार कार्यवाही करी तो वहां भगदड़ मच गए। मौका से 4 ट्रक रेत जब्त भा, जौने का फिर पानी में डुबोए देंगा और ऐसा कई एक कार्यवाही भई। बहुत दिन से शिकायत मिलत रही, जेकर कार्यवाही कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के निर्देशन में संयुक्त रूप से किए गए। वहीं बुलेटिन की अगली खबर की बात करी, जहां कोरोना की कहर के कारण 2021 में ज़्यादातर लोगों के समय घर में कहाँ लॉकडाउन की पाबंदी कहाँ वर्क फ्रॉम होम के चलत रहा। यही के चलत सड़क और बाजार में कम आवजाव रहा। वहीं रीवा के अपराधन की बात करी तो आंकड़न के अनुसार 2020 की तुलना में 2021 में अपराध कम भए हैं। वहीं ये मामला में पुलिस अधीक्षक कहें कि पुलिस अपराधन को रोके की खातिर और जिला में अमन चयन कायम करे के हर संभव कोशिश करे, जौने से अपराधी सलाखन के पीछे रहा। पुलिस अधीक्षक यह कहें कि अपराध रोके खातिर जागरूकता अभियान चलावा जात लाग है। वही हेल्पलाइन नंबरों जारी किए गए हैं, जौने के चलत जनता के सहयोग से अपराधन न रोक लग सकत थी। बुलेटिन के अगली खबर की बात करी थी, जहाँ रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र के नियरे महसाव गाँव में एक थे 16 साल के किशोरी के अपहरण 21 दिसंबर का रात के 10 बजे होगा, जब ओकर मतारी बाप घर में नहीं रहे। एकर रिपोर्ट गुड़ थाना में कीन गए, जौने के कोनो कार्यवाही नहीं भय। पीड़ित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक ज्ञापन दई के कार्यवाही के मांग करे नहीं। अपना को बताई कि पीड़ित संतोष बंसल बताएं कि किडनैप करे वाले गांव के पासे दुआरी के भोसले और श्यामलाल बंसल आई, जो उन अब धमकी देत लाग हमा कि अपन रिपोर्ट वापस ले लें, नहीं तो जान से हाथ धो ले। सरजार SP के पास आया था, 21 तारीख को हमारी बच्ची का रात को किडनैप हुआ है। किडनैप करने वाले श्यामलाल बंसल है, ग्राम पोस्ट महासाओं के। एक लड़का दुआरी का रहने वाला है, घोंसले बंसल है। इनके नाम मैंने रिपोर्ट किया 22 तारीख को। पुलिस अभी तक इन दोनों को किसी को नहीं पकड़ रही। बुलेटिन की अगली खबर, जहां जिला माँ अलग अलग तरीका से ठगी की जात लागी, वहीं जिला माँ साइबर क्राइम जम के फल फूल रहा है। ठग दुकान में पहुंच के चूना लगाए रहे हैं। ऐसे में एक मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के नियरिन पवन कचेर के साथ भा, जहां एक महिला सामान लीस और 190 के ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल दिखाए के सामान लेके चली गए। ओके जाए के बाद दुकानदार दिखिस तो पैसा नहीं आवा रहा। अपना को बताई कि कुछ लोग पहले के स्क्रीन शॉट रखे रहा था और वही का दिखाए के चूना लगाए दे था। ऐसे अपनों पंचे सतर्क रही। बुलेटिन की अगली खबर की बात करी, जहां पुराने विवाद का लेके एक बार फिर से एक परिवार के 2 लोग आपस में भिड़ गए और देखते देखते एक दूसरे के साथ जम के लात घूसन के बारिश करें। पूरे घटना के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होगा। दरअसल यह मामला बनगवा थाना क्षेत्र के मनिकवार के बतावा जाते है, जहाँ शिवकली पांडे और उषा पांडे के बीच जम के मारपीट भय। एक ही पक्ष से उषा पांडे, पार्वती, माधुरी और एक थे अन्य घायल भई हैं। घायल परिवार के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे हैं और स्थानीय पुलिस पर कार्यवाही न करे के आरोप लगाए हैं। बतावा यह जात है कि मारपीट करे वाले गांव में एम्बुलेंस जाए से रोक दीन, बड़ी मुश्किल से पुलिस पहुंची ही और ऑटो में लोड कराए के घायलन का अस्पताल पहुंचाई थी। देखी पूरा वीडियो और सुनी पीड़ितन के का कहा है। अपने खेत में गई थी बमूर की पत्ती काटने लड़की, तो उसके पास हम भी गए थे। तो देवरानी लोग, 2 देवरानी, 2 एक देवर, 2 भतीज और 2 भतीज और सब दौड़ के गए, तो बोले कि जार मत काटो। हम बोले कि बकरी के लिए हमारा भी है पेड़। बोली हमारा भी हिस्सा है। हम बोले कि तुम्हारा हिस्सा नहीं, हमारे आदमी का हिस्सा है। हम पत्ती काट रहे हैं, बिरवा नहीं काट रहे हैं। वो फिर पकड़ के जीगर और मुझे लटा दी खाले देवर भौजाई दोनों।
और फिर जब ही पेड़ पर से उतरी थी इसको घसेटते इसको भी मारने लगे चढ़ के। रीवा के एक और बड़ी खबर की बात करी थे जहां सिग्नल लगा रहा श्रमिक का करंट के जोरदार झटका लग गया। बतावा जाता है कि सिग्नल के पोल खड़ा करत समय क्रेन चालक के लापरवाही के चलत श्रमिक के जान संकट में फंस गए। क्रेन चालक पोल इतना उठा दी कि ऊपर हैवी लाइन में टच होगा और श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गया। मौके पर पहुंचे लोग प्राथमिक उपचार खातिर संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराए नहीं। उसके पहले मेरे को 4 बजे पता चला, मतलब भाई ज़्यादा सीरियस है, यहाँ से फोन गया तो मतलब वो बोले बहुत सीरियस है, तू आ जा, तू बोल कर जा। तो मैं बोला मैं उसका भाई बोल रहा हूँ। तो उसके बाद वो मतलब बोला जितना जल्दी हो सका दे, सीरियस है, कुछ दिक्कत नहीं है उसकी। तो हम लोग आए यहाँ, पता चला मेरा भाई मतलब ख़त्म हो चुका है। मैं एक ट्रेन में था, मेरे फोन लगाया 11:30, बोला कि मैं तेरे को 2 घंटे बाद कॉल करता हूँ। फिर उसके बाद में 1:30 बजे 2 बजे फोन आया कि इसकी डेथ हो गई, मेरे पास फोन आया इसकी डेथ हो गई। बुलेटिन के आखिरी खबर है जहाँ कोरोना के फिर से बढ़त प्रभाव का देखत रीवा में NSUI प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी के नेतृत्व में ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से परीक्षा आयोजित करे के मांग लई के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में NSUI के सैकड़न थे कार्यकर्ता प्रदर्शन करके एक ज्ञापन सौंप के मांग रखी नहीं कि प्रदेश में कोरोना के नवा वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रभाव बढ़ रहा है। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहा लागा कि जान है तो जहान है, जेका लेके हम सब की यह मांग ही कि विश्वविद्यालय प्रशासन जौन परीक्षा आयोजित करवावे की तिथि घोषित की थी छात्रों के विरोध में हाँ, कहे से कि प्रदेश के और बड़े विश्वविद्यालय जैसे राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा करवाए रही ही और बरकतुल्ला विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित कर दी थी, जेका लई के हम सब यह चाहे थे कि ऑनलाइन या ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा आयोजित कराई जाए। लगातार एक नए वेरिएंट, कोरोना के नए वेरिएंट का प्रभाव बढ़ रहा है, तेजी से इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। प्रदेश के गृहमंत्री ने भी कहा जान है तो जहान है। प्रदेश की विश्वविद्यालय RGBV टेक्निकल सबसे बड़ी विश्वविद्यालय, उसने ने परीक्षा कैंसिल कर ऑनलाइन पेपर कराने की बात कही है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय ने भी पेपर स्थगित कर दिए हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की जो यूनिवर्सिटी है वो टाइम टेबल घोषित करी 4 तारीख से परीक्षाएँ आयोजित करानी है। छात्र उसके विरोध में है, छात्रों से हमने बात करी, छात्र लगातार इसकी आपत्ति जताई। आज सैकड़ों साथियों के साथ हम लोगों ने कुलपति ऑफिस को घिराव कर नारेबाजी कर मांग रखी है कि पेपर पहले तो स्थगित कर दिए जाए, फिर उसके बाद ओपन बुक या ऑनलाइन प्रणाली से पेपर कराए जाए। आज के बघेली बुलेटिन यहीं तक, कल फिर से प्रस्तुत हो बघेली बुलेटिन के साथ। नमस्कार।